दोस्तों आज समझानेंगे ICICI बैंक कस्टमर आईडी और नेट बैंकिंग यूजर आईडी को कैसे निकालते हैं। दोस्तों ICICI बैंक में अकाउंट कस्टमर आईडी एंड यूजर आईडी सेम होते हैं। इस यूजर आईडी को नेट बैंकिंग लॉगिन के लिए यूज़ करते हैं एंड इस यूजर आईडी को यूज़ करके हम पासवर्ड को भी रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको यूजर आईडी याद नहीं है तो आप इजीली ऑनलाइन इसे निकाल सकते हैं एंड चेकबुक के फ्रंट पेज में भी ये यूजर आईडी होता है। तो अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो आप ऑनलाइन इस यूजर आईडी को निकाल सकते हैं। दोस्तों पहले गूगल में ICICI बैंक यूजर आईडी लिख के सर्च कीजिए, देन जेनरेट यूजर आईडी का एक पेज आएगा ICICI बैंक का। इस पेज के ऊपर क्लिक कीजिए, देन इस पेज में आई वांट माय यूजर आईडी का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऐसा एक पेज आएगा, पहले यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर को एंटर करके गो के ऊपर क्लिक कीजिए, देन मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए आएगा, बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर को दे के गो के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी आपको अपना डेबिट कार्ड डिटेल्स को देना होगा, आपके डेबिट कार्ड के पीछे जो नंबर लिखा हुआ है उसको एंटर कीजिए। जैसे यहाँ पे EIM का नंबर देना है तो EIM के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसको दे के गो के ऊपर क्लिक कीजिए, देन आपका यूजर आईडी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आ जाएगा SMS के थ्रू। एक मिनट के अंदर आपका नेट बैंकिंग यूजर आईडी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप ICICI बैंक नेट बैंकिंग यूजर आईडी और कस्टमर आईडी को ऑनलाइन निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए एंड अच्छा लगे तो वहाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।